अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कॉलकॉम की फ्लैशिंग कौन से टूल के साथ सबसे ज्यादा बेस्ट है, यूएमटी। ओप्पो का, अगर ओप्पो के लिए बात कर रहा हूं, जैसे कल हमने एमटीके के लिए देखा था, आईएमईआई के लिए देखा था, तो उसके लिए कौन सा टूल सबसे ज्यादा बेस्ट है? एमआरटी। क्योंकि हमने देखा था किसी भी टूल से नहीं हो रहा था, पर किससे हो गया था? एमआरटी से। तो दिखाइए यहाँ पर, ये ऐसे आ जाता है, फोन मेरा ऑन हो चुका है, ठीक है। ये जो अपना ऑप्शन हमारी हाइट थी, ये डार्क हो गई है, अभी हम नेक्स्ट, मतलब ये निकल गया है यहाँ पर, एफआरपी हमारे कंप्लीट। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश हो, चलिए ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हुए हैं। ये हमारा 28 मार्च का बैच है दोस्तों, और यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर का एक अपडेट डालना था। बहुत दिनों से एक सॉफ्टवेयर पे वीडियो नहीं बनाया था, तो सोचा बना लूं। एक वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ सॉफ्टवेयर पे इसी बैच के साथ, जिसमें हम एमआरटी के साथ टेस्ट पॉइंट से एफआरपी हटाएंगे लेटेस्ट सिक्योरिटी का। सो ये हम लेके आएंगे और ये आपको देखने मिलेगा एक हफ्ते के अंदर। सो इसी के साथ में, नए जुनून के साथ में, जाते जाते आपको एक साथ बोलना चाहूंगा कि अभी तक और आगे भी रहेगा, क्या रहेगा, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ में यहाँ पर मेरा 28 मार्च का बैच और ये सॉफ्टवेयर क्लास चल रही है यहाँ पर। यहाँ पे हमारे साथ भी स्टूडेंट जे एम के, आप ये बताओ आपका नाम क्या है? कुलविंदर सिंह। आज आप क्या बताने वाले हो? तो मेरे पास फोन आया, ये ओप्पो का। सो इसमें क्या दिखा रहे हो? एफआरपी लगी हुई, दिखाओ जरा। इसमें ये नेक्स्ट का ऑप्शन, स्किप का ऑप्शन जो रहता है, ये हिडन है, ये हिडन है। तो हम इसकी एफआरपी निकालेंगे। किस किस टूल से आप बताओगे इनको? ये आपको, आप लोग को से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, अगर वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सॉफ्टवेयर में कितनी क्लास अटेंड हो गई आपकी? मेरे सेकंड, दो। क्या क्या अटेंड किया आपने? तो दो दिन में एमटीके और अपना क्वालकॉम मैंने तकरीबन कंप्लीट हो गया। एमटीके और क्वालकॉम, जैसे मैं यहाँ पे बैठा, आपका नाम क्या है? सर सरजीत सिंह। आप ये बताओ कि एमटीके में फ्लैश फाइल कौन सी मिलेगी? सर डॉट स्कैटर फाइल। और अगर उसके साथ टूल कौन सा आएगा? सर उसके साथ टूल एसपीडी, एसपीडी जो एसपी फ्लैश टूल आएगा, उसमें कौन से दो वर्जन आएंगे? सर V3 और V5। अगर उसमें मैं कौन से मोड में कनेक्ट करते हैं हम उसको? सर फ्लैश। फ्लैश एक मोबाइल में कितने मोड होते हैं बताइए? दो मोड होते हैं। एक कौन सा मोड होता है और एक दूसरा मोड कौन सा होता है? अगर एंड्रॉइड में कितने मोड होते हैं? कौन कौन से? एडीबी और फास्टबूट। कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आपने दो दिन में ही सीख लिया है? ठीक है, अभी हम और देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दो दिन की क्लास अभी तो बहुत बचा हुआ है। मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ कि जो ड्राइवर आपको पूरा आते हैं एमटीके में आईएमईआई रिपेयर करने के लिए आया, जो कि गलत नहीं करना है, सही करना है हमेशा काम, बन जाएगा आपको? आईएमईआई अगर एफआरपी निकालने के लिए कोई सेट आता है तो बन जाएगा? ठीक है, चलिए आप बताइए, शुरू कीजिए यहाँ पर। So, सबसे पहले आप किस टूल के साथ बताएंगे? अच्छा, इस फोन में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है? सर इसमें क्वालकॉम का सीपीयू लगा। तो इसके जानने के कितने तरीके हैं? सर इसके जानने के 3-4 तरीके हैं मेरे। तो आपको पता है, मतलब किसी भी फोन को आप बिना खोले बता सकते हो? ठीक है, फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी भी है। बिल्कुल सर, उसके बिना मैं जा नहीं सकता, कहां जाना, मुझे मेरे रास्ते नहीं पता कि किस टूल को मैं कौन सा ऑप्शन में कनेक्ट करना है। सो अभी यहाँ पे इसमें कॉलकॉम का सीपीयू लगा हुआ है। सो इसमें कौन कौन सा आप बताओगे? सबसे पहले कौन सा बता रहे हो? मैं सर आपको मिरेकल में बताने लगा हूँ। बताइए मिरेकल में। सर आप मिरेकल, हाँ बताइए। मिरेकल में बता रहा हूँ, मैंने मिरेकल का अपना इंटरफेस खोला है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मुझे अपना, मैंने सीपीयू फाइंड किया था, तो ये क्वालकॉम है, इसके क्वालकॉम में ही जाऊंगा, ठीक है सर। ये क्वालकॉम आ गया, ये जैसे आ गया तो ये क्वालकॉम आ गया, ठीक है। इसमें अभी मुझे एफआरपी हटानी है, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा में जाऊंगा, ठीक है। और इसमें सर ये काफी मॉडल्स दिए होते हैं, ठीक है। इसमें ओप्पो अनलॉक अकाउंट भी है, लेकिन सबसे पहले मुझे इसकी पोर्ट सिलेक्शन करनी है सर, ठीक है। हमें इसमें पहले ईडीएल मोड पे लेके जाना पड़ेगा फोन को, जो कि वॉल्यूम प्लस और माइनस से जाएगा। और अगर उससे नहीं आया तो सर, अगर इसलिए 3 वे है मेरे पास सर, अगर इसमें वॉल्यूम प्लस माइनस से नहीं जाता तो फिर सेकंड वे हमारे पास ईडीएल केबल है, अगर उससे नहीं जाएगा तो थर्ड हम टेस्ट पॉइंट से भी जा सकते हैं। बिल्कुल, तो हम ट्राई करेंगे सबसे पहले वॉल्यूम अप डाउन से। ये डिवाइस मैंने जैसे फोन के रख लिया,
ये आ गया हमारा मोड आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ इधर ये मोड कई लोगों के कनेक्ट नहीं होते हैं, कॉम कनेक्ट नहीं होता है, तो उसको कैसे सेट करोगे? आता है आपको? सर मुझे आता है, साथ में सर ये भी देखना जरूरी होता है उसका कोड भी आता है कि कौन सा मोड क्या कोड है। वही जो 9008 नहीं आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, तो वो भी आपको रिपेयर करना बन जाएगा, नहीं तो वो कनेक्ट नहीं लेता है। चलिए ठीक है, बताइए अब आगे। सो आप पहले तीनों में बता दीजिए और परफॉर्म फिर मिरेकल से कीजिए। ठीक है, हमें सर इसमें मतलब जाने के बाद हमें मिरेकल में अपना क्वालकॉम मोड में गए, एक्स्ट्रा में गए, और हमें यहाँ पे ब्रांड में पहले तो हम यूनिवर्सल पे चेक कर रहे हैं। स्टिक से दिखाते रहो, ये यूनिवर्सल ब्रांड में हम चेक कर सकते। ठीक है ठीक है, और उसमें हमें कोड देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यूनिवर्सल अगर नहीं लेना, अगर मान लो यूनिवर्सल लेना है, जैसे कई लोग मॉडल लेते हैं, क्यों लेना चाहिए? सर ऐसा है कि पहले तो यूनिवर्सल पे चेक कर लीजिए, अगर उस पे नहीं हो रहा आपके बाद में मॉडल वाइज पे आइए, अगर यूनिवर्सल पे नहीं हुआ तो मॉडल वाइज होगा। वही तो अगर बूट एरर आईडी दे देगा तो फिर आपको फिर मॉडल वाइज लेना है। ठीक है ठीक है, और ये ऑटो पे रखेंगे हम। ठीक है, और इसके बाद सर मैं अकाउंट लॉक करूंगा। तो बाकी अपन ओप्पो अकाउंट भी नहीं करेंगे सर? ऐसा है कि ये ओप्पो अकाउंट जो है ओप्पो पर्टिकुलर इनकी अपना अकाउंट होता है, ओप्पो अकाउंट जैसे हमारा एमआई अकाउंट होता है ना, वैसे इसमें ओप्पो अकाउंट भी हो सकता है, उसलिए ये दिया गया है। ठीक है, ये हमें अदर में जाके, अदर में हमारा क्वालकॉम में तकरीबन सभी का हो जाएगा, 100% सभी का हो जाता है इसमें। तो एक बार करके देख लो, डन करके देख लो। तो यहाँ पे लोडिंग हो गया, बूट दिखाओ। करने के बाद सिंपली स्टार्ट बटन क्लिक किया मैंने। कहाँ पे बूट हो रहा है दिखाइए। ये देखिए सर, ये इसका सीपीयू आ गया आईडी। ठीक है, ये सीपीयू नंबर आ गया, बाकी ये आपकी आईडी आ रही है, अपना परफॉर्मिंग हो रही है इसकी। तो डन हो चुका है, तो फोन को दिखाइए जरा। ब्रांड एंड मॉडल ऑटोमेटिक ले लिया है सर। सर फोन रीस्टार्ट हो गया क्या? फोन रीस्टार्ट नहीं हुआ, फोन अपना चार्जिंग मोड पे आ गया। तो एक बार इसको चालू कर दो और यहाँ पर हम एक बार देखेंगे कि फोन का हमारा अकाउंट हटता है कि नहीं हटता, क्योंकि इसके बाद दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि MRT से कैसे हटाए और UMT से कैसे हटाए। MRT में MTK का पूरा अपडेट है कि नहीं है आपके पास? ठीक है, UMT में सर इसका बहुत इजी रहता है, सिंगल क्लिक रहेगा ये। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि Qualcomm की फ्लैशिंग कौन से टूल के साथ सबसे ज्यादा बेस्ट है? UMT। ओप्पो का, अगर ओप्पो के लिए बात कर रहा हूं, जैसे कल हमने MTK के लिए देखा था, IMEI के लिए देखा था, तो उसके लिए कौन सा टूल सबसे ज्यादा बेस्ट है? MRT। क्योंकि हमने देखा था किसी भी टूल से नहीं हो रहा था, पर किससे हो गया था? MRT से। तो दिखाइए यहाँ पर, ये ऐसे आ जाता है, फोन मेरा ऑन हो चुका है। ठीक है, ये जो अपना ऑप्शन हमारी हाइट थी ये डार्क हो गई है, अभी हम नेक्स्ट, मतलब ये निकल गया है यहाँ पर, FRP हमारे कम्प्लीट, FRP हट गया है, बाईपास। चलो हम इसको दोस्तों लाइव वीडियो ले सकते थे, हमने बहुत पहले भी लाइव वीडियो लिया हुआ है, ये FRP निकल गया। तालियां बजा दीजिए इसके लिए। तो यहाँ पर हमने लाइव वीडियो ले सकते थे, पर लाइव वीडियो इसलिए हम नहीं लेते हैं क्योंकि लाइव वीडियो में बहुत ब्लर आता है और उसमें स्क्रीन दिखाई नहीं देती है, नहीं तो हमने तो ऑलरेडी, हम ही है देश के पहले इंस्टीट्यूट जो लाइव वीडियो के साथ अपनी क्लास अटेंड किए। चलिए अब आप बताइए इसमें UMT में कैसे करेंगे और फिर MRT में कैसे करेंगे? UMT में अगर UMT ओपन करेंगे तो UMT कुछ इस तरह से ओपन होगा, तो हमें इसमें जाना है रीड एंड टूल में। अगर आपने इसकी FRP हटानी है तो रीड एंड टूल में जाना है, और ये आपने कॉमन फंक्शन जो है ना, इनमें आप जाके सिर्फ एक छोटा सा रीसेट FRP कर दीजिए इस कमांड में, ये सारा FRP आपकी वन क्लिक में हट जाएगी। और अगर फॉर्मेट FS भी तो कर सकते हैं? यस सर, फॉर्मेट FS भी कर सकते हैं, उसमें हमें अगर किसी फोन में लॉग आया, पैटर्न आया, अगर पैटर्न हमारा एक वे आया हमारे पास रीड करने के लिए, रीड नहीं हुआ, तो आप फॉर्मेट FS से भी उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, और उसमें भी आपको कमांड मिल जाएगी रीसेट, FRP रीसेट करनी है कि नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक है, ये कौन से मोड पे करना है? सर ये सब EDL मोड पे चलेगा, EDL मोड पे काम करेगा। ठीक है, अच्छा और MRT से बताइए। यस सर, तो ये हमारा MRT आ गया। ठीक है, इसमें हमें ये क्योंसी टूल में जाना है। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि हमारा MRT कनेक्टेड है कि नहीं है, नहीं तो लोगों को लगेगा हम क्रैक वर्जन चला रहे हैं। ये देखिए, दिखा दीजिए, ये MRT हमारी, ये MRT कनेक्टेड है, ये हमारी UMT कनेक्टेड थी, और ये हमारा जो मिरेकल चला रहे हैं वो क्रैक वर्जन चला रहे हैं 2.82। बताइए, हमें MRT में जाके QC टूल में जा रहे हैं, QC टूल में क्लिक करके हमें यहाँ पे अपना वही सिस्टम है सर, अपना पहले सबसे पहले EDL पोर्ट बनाना है, EDL पोर्ट लेना है, यहाँ पे पोर्ट सिलेक्ट होगा, तो हमें अपना इरेज FRP क्लिक करके स्टार्ट करना है। अगर उसमें प्रोग्राम ले गया तो ठीक है, नहीं तो उसमें बूट फाइल भी देनी आती है। तो बूट फाइल देनी आती है आपको, कहाँ से देते हैं? जैसे MRT में खुद की बूट फाइल है, दिखा दो जरा, खोलो जरा, क्लिक करो। तो ये जो बूट फाइल पड़ी हुई है ये MRT वाले फोल्डर में जाओ, डेस्कटॉप पर।
सेटअप के अंदर MRT का डला हुआ है उसके अंदर बता दीजिए, बता दो भाई, अच्छा है कुछ लोग सीख जाएंगे घर बैठे। कॉलकॉम बूट, तो अगर इनमें से अगर मान लो अपने पास इन वाली नहीं हुई तो फिर क्या करना है वो आपको पता है? ले सकते हैं, चलिए ठीक है, सो ये हमें पता है, तो यहाँ से हम MRT से कर सकते हैं। और जो अगर ऑटो पोर्ट में नहीं लिया, ये हटाओ, अगर ऑटो पोर्ट में नहीं लिया तो क्या करना है? पोर्ट ऑटो नहीं लिया तो क्या करना है? पोर्ट सिलेक्ट करेंगे जो कॉम बन रहा होगा और फिर क्या दबाएंगे? बिल्कुल, बस ये भी UMD के जैसे ही है, लेकिन सबसे बेस्ट UMD है। चलिए, इन लोग ने बिल्कुल सही बताया कि नहीं बताया? सही बताया भाई, एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ पर? सर बहुत अच्छा लगा, मैंने ऑलरेडी पहले दो बार वीडियो में बताया। पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के IC को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? दिल से कह रहे हो? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका EMMC और CPU निकाल करके दोबारा लगा। और मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर ले, मतलब हम बोल रहे सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं बोलने के लिए, मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब सर ये नहीं बोलते कि हाँ तुम्हें बोलना है कि हमें तो ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे, कोई हम पे प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो, मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट चुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया, टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं? सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। सर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद डाल सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्टूडेंट भी खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर लूँ कि मैं हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सके मतलब इसके अंदर। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, अब है जो मैंने। अच्छा ये सर सुना था। ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज़्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, वो जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? Amazon 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.